हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 18 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के इस भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। लॉर्ड कृष्ण सेड टू अर्जुन, द मटेरियल बॉडी ऑफ द इनडिस्ट्रक्टिबल इमेजरेबल एंड इटर्नल लिविंग एंटिटी इज श्योर टू कम टू एन एंड, देयरफॉर फाइट डिसेंडेंट ऑफ भरत। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि शत्रु इसे देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। अतः दोनों ही दृष्टि में शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है और ना ही इस शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस शरीर का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकलता है, यह शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा इस शरीर का पोषक है। यह शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक के लिए हरे कृष्ण।